हेलो जी, कैसे हैं? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शांति की लाइफस्टाइल में। लीजिए, यहाँ पे मैंने लगा लिया मॉइस्चराइज, और ये जो ब्लॉग है ना वो मेरे ब्लॉग चैनल गांव के शांति पे लाइव है, जाके देखिएगा। उसके बाद मैंने लगाई सनस्क्रीन। हालांकि मैं बता दूँ, ये मैं एक बहुत बड़े अपने लाइफ के इवेंट के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, तो आप सब समझ सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया प्राइमर जो कि फिटमी का है, और उसके बाद लूमी क्रीम। मतलब कि 5 मिनट के अंदर ना 5-7 मिनट लगे होंगे और मैं अच्छे तरीके से रेडी हो गई, और इतना प्रिटी सा मेकअप पूरा दिन चला। तो सबसे पहले मैंने क्या लगाया, मैंने बताया मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। बहुत 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 ज़रूरी है आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और आपके स्किन की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है फाउंडेशन, और आज मैं थोड़ा सा फाउंडेशन अच्छे तरीके से कवरेज लगा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट जा रही थी, तो मैं सोचा कि पूरा दिन तो मेरे को टचअप करने का मौका नहीं मिलेगा, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इसको मैंने लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाया ये आप आगे वीडियो में देखेंगे। रुकिए जी, सुनिए जी ज़रा, यहाँ पे अभी वीडियो को रोकिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ नहीं, मैंने पिंक साड़ी पहनी है, तो अपने पिंक 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 कलर के हार्ट ही दे दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया है तो इस शांति की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लीजिए, ये वाला ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइव हो चुका है गांव की शांति वाले चैनल पे, तो जाइएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये है सुगर का फाउंडेशन विथ कंसीलर स्टिक। एज ए कंसीलर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जितने भी मेरे डार्क सर्कल हैं सबको कवर करने के लिए। यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग ब्रश ली हुई है, फाउंडेशन ब्रश, और देखिए आ गई मेरी बेटी। उसने बोला कि आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, लाओ मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। तो ये सौभाग्य की बात होती है, हमारी बेटियाँ इतनी संस्कारी, इतनी समझदार है, और मेरे बालों में इस तरीके से फाउंडेशन लग गया। अगर आपके बालों में इस तरीके से फाउंडेशन लग जाए और आप नहीं निकले, तो आपको मस्कारा लेके जहाँ पर भी लगा हो उसको अप्लाई कर लेना है। वो मतलब इंस्टेंट हाइड कर देता है जो भी अगर प्रोडक्ट अगर गलती से बालों पे लग जाए। अब मैं बहुत क्वांटिटी की बात नहीं करूँ कि आपके आधे बालों में लग जाए, तो ऐसी मूर्खता ना करें, क्योंकि अब मेरे से एक बार हुआ था कि फाउंडेशन थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था। बट हाँ, इस तरीके से लग जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। ये हमने बहुत सारी मज़ेदार और बातें करके इस मेकअप वीडियो को शूट किया हुआ था मैंने, तो वो मेरे गांव के शांति वाले चैनल पे है, जाके ज़रूर देखिएगा। लीजिए, मैंने यहाँ पे लगा लिया है भरपूर मात्रा में, मतलब खूब सारा यहाँ पे पाउडर, ताकि मेकअप जो है वो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब बारी आती है ब्लश अप्लाई करने की, तो आपके पास कोई भी पिंक कलर की लिपस्टिक है उसको एज ए ब्लश आप यूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप जाइए और जाके देखिए। और हाइलाइटर सिर्फ आपके मतलब हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट करने के लिए नहीं, बल्कि एज ए आई शेडो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, हाइलाइटर के बहुत 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 सारे यूज़ हैं। आप कहेंगे तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊँगी। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया हुआ है आई मेकअप, और यहाँ पे देखिए पापा बेटी की काना फुसी चल रही थी। वैसे अरु के ड्रेस के लिंक मांगे थे लोगों ने, तो वो मैंने मीशो से लिया था। आपको कोरियन ड्रेस ऐसे डालना है, बहुत मीशो या फिर अमेज़ोन ऐसे ही कुछ लिया था। बहुत कॉस्टली नहीं है, मतलब अंदर 1000 के अंदर आती है, बट कपड़ा बहुत अच्छा था। अब हम अपनी आईब्रो को फील करेंगे अच्छे तरीके से, और बस चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं तो कभी, मेरे को कभी लगा नहीं था कि ये जो मेरा चैनल है उसको इतना सारा आप सब प्यार देंगे, वो इतना ग्रो करेगा। बट हाँ, जब मेरी मेहनत रंग ला रही है, आप सबको मेरे मेकअप वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे खुशी हो रही है। मुझे मन करता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो आप सबके साथ शेयर करूँ। तो ये मेरी ट्रिक्स देखिए, दिन का मेकअप है तो आप आई मेकअप को मैंने लाइट रखा है। ये कुछ ट्रिक, मतलब टिप्स दे देती हूँ आप सबके साथ। और मैंने अपने तो आप जो लिपस्टिक है, अगर आप आई मेकअप बहुत ही लाइट कर रहे हैं तो एक डार्क लिपस्टिक के साथ आप जा सकते हैं, या फिर दिन का मेकअप है तो आप थोड़ा सा न्यूड लिपस्टिक के साथ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने लाइनर जो है अप्लाई कर लिया हुआ है। तो आईज़ मेकअप को ना आप बहुत ज़्यादा मतलब डार्क ना करें, या फिर मैं बोलूँ कि मतलब एक होता है ना कि दिन का मेकअप है तो उसको थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैंने लाइनर भी अप्लाई कर लिया, और लाइनर मैंने थोड़ा सा ना मोटा मोटा अप्लाई करा हुआ है, और विंग थोड़ी ज़्यादा निकाली हुई है, क्योंकि मतलब आँखों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाना था इसलिए। तो आप ऐसा कर सकती हैं, अभी देखिए मेरे को लाइनर थोड़ा लग गया था यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से पापा बेटी की कुछ चुगलखोरी यहाँ पे हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो है वो इस तरीके से कपड़े से इसको क्लीन करने की कोशिश करी, बट वो हो नहीं पा
पा रहा था, मतलब वो अच्छे तरीके से क्लीन हो नहीं पा रहा था। लेकिन आप क्या करें कि थोड़ा सा वहाँ पे प्रोडक्ट ले और जैसे थोड़ा सा डार्क हो गया ना ब्लैक, तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट मैंने इसलिए नहीं काटा कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इस तरीके की गलतियाँ सबसे होती है, ये एक नॉर्मल सी गलती है। और यहाँ पर मैं घबराई हुई हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने दो लिपस्टिक थी, तो मैं सोचा मैं कौन सा अप्लाई करूँ। मेरे को थोड़ा सा रेड मरून मन कर रहा था, बट मैंने थोड़ा सा ये पिंक के साथ में गई। ये बहुत ज़्यादा डार्क पिंक नहीं है, बहुत ही प्यारा सा ये कलर है लॉरियल की। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और बस बिंदी लगाना बाकी था। आज मेरा फास्ट था तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स वगैरह भी खा रही हूँ। और देखिए यहाँ पे ये रहा मेरा फुल लुक। मैंने बाटा की ये ब्लैक कलर की सैंडल पहनी है, मैंने मंगलसूत्र पहना, मैंने ईयरिंग डाली और बस यहाँ पे ये देखिए एक प्यारा सा हैंडबैग लिया और मैं हो गई दुल्हन की तैयार। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक।